इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूँ कुमार बबलू। तो साथियों देख रहे हैं, अभी मैं 900 चौराहे पे हूँ और स्वास्तिक अलायंस सेंटर के बाहर, जहाँ पे बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया गया है। ये देख पा रहे हैं, हमारे साथ 4 से 5 लड़कियाँ हैं जिनको एग्जाम में टाइम से आने के बाद भी इनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया है। इन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस वजह से इनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया है। क्या नाम है सी सर आपका? सर मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं SSCGD का एग्जाम स्वास्थ्य। मास्क पहले हटा लीजिए ताकि आवाज़ आप तो आपकी क्लियर पहुंच सके। सर मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं SSCGD का एग्ज़ाम देने के लिए गोरखपुर स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर जी स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर के पास आई हूँ। तो सर मेरा 1 मिनट का लेट तक भी नहीं हुआ, सब लोग सेटर बन के, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है फिर भी इन लोगों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। आप कितने बजे यहाँ पे आई थी? सर मैं 8:31 पे यहाँ पे तुरंत पहुँची हूँ, बस से नीचे उतरी हूँ, फिर भी लोग मुझे यहाँ के गार्ड जो हैं वो लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, यहाँ मुझे 1 मिनट में अंदर ही जाने दे सकता था, लेकिन लोग अंदर से गेट बंद कर दिए और मुझे रिक्वेस्ट करने का पर भी लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। बताइए मैं क्या करूँ, आप ही बताइए मेरी क्या। मेरा यहाँ के ऑनर से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे इतनी ठंड में यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो 2-4 मिनट अगर लेट हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ रहा। अगर 1 घंटे पहले एंट्री हो रही है तो 2-4 मिनट अगर बच्चे लेट आ रहे हैं तो कोई उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए इनको एंट्री कराने में।